congratulate the government for bringing this government, and I support it. Thank you, sir. धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे एक अवसर दिया इस विधेयक पर बोलने के लिए. नारी शक्ति वंदन विधेयक समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह मांग रही है कि पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, इसमें उनको आरक्षण दिया जाए. सर, लोकसभा और विधानसभा में तो यह बिल लागू होगा, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि यह राज्यसभा और विधान परिषद में भी लागू होगा कि नहीं लागू होगा. 13 साल से यह बिल अटका हुआ था सर, और लगभग एक दशक पूरा होने जा रहा है भाजपा की सरकार को, और इस एक दशक में जब लगभग पूरा होने जा रहा है तब इस सरकार को महिलाओं की याद आई है. तो आखिर क्यों, जब यह 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं सरकार को, तो महिलाओं की याद आई है अब? सर, मेरा यह सवाल है कि आने वाले चुनाव में यह लागू हो पाएगा कि नहीं लागू हो पाएगा, और जो विधानसभा के भी चुनाव होने जा रहे हैं जो 5 राज्यों में होने जा रहे हैं, उसमें यह लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा यह महिला विधेयक बिल? सर, सवाल यह भी है कि जनगणना कब होगी, और यह सवाल इसके साथ यह भी है कि यह सरकार जातिगत जनगणना कराएगी या नहीं कराएगी. इसी के साथ सर, सवाल यह भी है कि परिसीमन कब होगा, और परिसीमन के आधार पर ही आरक्षण महिलाओं को मिला जाएगा. सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें सिद्धि की बात करी थी सर, तो साधना से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है, और असली साधना तभी होगी जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे, जब हम ओबीसी महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, जब हम SC/ST महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, और जब हम अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित करेंगे. क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद 3 तलाक की बात करते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें अल्पसंख्यक महिलाओं का भी मान और पक्ष रखा जाएगा. सर, जहां हम बात कर रहे हैं आज महिला विधेयक बिल की, तो विदाउट रेवोल्यूशन एवोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, एंड फॉर एवोल्यूशन टू टेक प्लेस इन आवर कंट्री इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द ओबीसी वुमेन्स गेट द रिजर्वेशन, दैट द SC/ST वुमेन्स गेट द रिजर्वेशन, एंड दैट द माइनॉरिटीज वुमेन ऑल्सो गेट दिस रिजर्वेशन सर. और सर, मुझे पूरा भरोसा है सरकार पर कि समाजवादी पार्टी की जो यह मांग है वो इस पे श्रवण भी करेंगी, मनन भी करेंगी, और इसका निधि ध्यासन भी करेंगी. सर, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी पिछड़ा वर्ग महिलाओं जो बहुत पिछड़ी हैं, जिनकी आप समझ नहीं सकते कितनी वो पिछड़ेपन से गुजर रही हैं, जैसे निशिकांत दुबे जी ने कहा था वो महिलाओं का दर्द समझते हैं, तो उनको पिछड़ी महिलाओं का भी दर्द समझना होगा. सर, और मेरा अनुरोध है सर कि आप हमारे मोस्ट ऑनरेबल मेंबर को ये कहिए कि वह किसी भी सदस्य का नाम जो सदन में मौजूद नहीं है वो ना लें, और आने वाली कार्यवाहियों में भी ना लें. सर, इन्हीं शब्दों के साथ सर, समाजवादी पार्टी की मांग को मैं दोहराते हुए कि पिछड़ा वर्ग की महिलाएं, अल्पसंख्यक महिलाएं और SC/ST महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए, मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ. धन्यवाद.